समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को शहर के चुन्नीगंज इलाके के जीआईसी मैदान में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के समर्थन में एक संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने विधानसभा चुनाव के लिए संयुक्त रैली की। राहुल गांधी और अखिलेश की आज कन्नौज में संयुक्त रैली पर यूपी के मंत्री और बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को खारिज कर दिया है। उन्होंने कभी भी अपनी लोकप्रियता के आधार पर राज्य में सरकार नहीं बनाई है, किसी ने भी नहीं बनाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेगी। देखिए, जनता ने नकार दिया है और सपा कांग्रेस राज्य की जनता जनार्दन ने उत्तर प्रदेश की नकार दिया है। पहले भी कभी भी उनकी लोकप्रियता के आधार पर उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनी। हमेशा बसपा को निपटाते थे तो सपा जाती थी, सपा को निपटाते थे तो बसपा जाते थे। और 17 के पहले की स्थिति उत्तर प्रदेश को लोग जानते हैं, गुंडागर्दी था, दंगा था, फसाद थे। 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता था, अपने का सुरक्षित महसूस करता था। न सड़कें थी, न ट्रेन पर आवागमन ठीक ढंग से था। आजादी मोदी जी के आने के बाद देश में भी अब कोई बम नहीं फटता है और राज्य के अंदर भी कोई बम नहीं फटता है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं और गरीब कल्याण योजना भी हर घर घर को मिला है, जिसके कारण जनता जनार्दन स्वयं चुनाव, यानी प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन, आप आम व्यक्ति आत्मनिर्भर बन रहा है, जिसके कारण एक तरफा चुनाव है लोगों ने नकार दिया। उनका रोड शो या कोई नोटिस नहीं लेता। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये वंशवाद की पार्टियां हैं और जब जब सत्ता में आए में लूटे हैं लोग।